नमस्कार जोहार, SB जॉब मटेरियल में आपका स्वागत है। तो अगर आप झारखंड राज्य से BEd करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। हम लोग जानते हैं कि अगर आप झारखंड से BEd करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है, प्रतियोगिता परीक्षा होती है और उसके लिए आवेदन करने का तिथि जो है वह आ चुकी है। चलिए हम लोग डिटेल से जानेंगे कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, कब आपका एग्ज़ाम होगा, फ़ी कितने लगने वाले हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सब चीज़ हम लोग यहाँ डिटेल से जानेंगे। अब देख सकते हैं यह जो आपका BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी वह आपका सेशन कब के लिए होगा, तो 2023-2025 के लिए सेशन आपका यह होने वाला है, शैक्षणिक सत्र जो है यह होने वाला है। हम लोग जानते हैं कि इसकी जो अवधि होती है वह आपका पाठ्यक्रम की अवधि वह 2 वर्ष की होती है। और कुछ यहाँ पर डिटेल आपको मिल जा रहे हैं, आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता जो है क्या कुछ होने वाली है यहाँ पर, वह देखिए यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है। इसमें देखिए आपका बैचलर डिग्री और फिर मास्टर डिग्री के साथ साथ आपका क्या है, आपका 50% होना चाहिए। इसके साथ आवेदन की प्रक्रिया जो है इसके लिए आपको क्या है, यहाँ पे दी गई वेबसाइट है, इस पर जाकर के आपको आवेदन करनी होगी। आपका जो डेट है आवेदन करने की वह देखिए यहाँ मेंशन है आपका 10/2/2023 से 10/3/2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र में परीक्षा की तिथि अगर बात की जाए तो देखिए आपका 23/4/2023 है और आपका झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय में इनका जो केंद्र है परीक्षा आयोजन का वह बनाया गया है। आवेदन करने की कुछ फ़ी भी होगी आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ सामान्य जो है वह 1000 फ़ी लगने वाले हैं, पिछड़ी जाति और आपका पिछड़ी जाति 1-2 दोनों के लिए 750 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपका जो है 500 रुपये लगने वाले हैं। फिर से यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि यहाँ पे दिए हुए हैं और परीक्षा का डेट भी यहाँ आपको मिल जा रहे हैं और परीक्षा का सेंटर भी। यहाँ आपका प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग जो क्या है वह देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका जो है एग्ज़ाम जो होगा बहुवैकल्पिक होगा, आपका MCQ में एग्ज़ाम होगा, कुल अंक जो होगा आपका 100 होगा, 100 होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे आपका, तथा प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा इसमें। और कुछ यहाँ डिटेल दिए हुए हैं, लैंग्वेज से कितना पूछा जाएगा और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से कितना पूछे जाएंगे, देखिए यहाँ पर मेंशन है आपका। देखिए यहाँ लैंग्वेज से आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15, टीचिंग एप्टीट्यूड जो होते हैं सब्जेक्ट उससे आपका कितने रहने वाले हैं तो 40, आपका रीजनिंग एबिलिटी जो है आपका इससे आपका 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपका उसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। ओके, थैंक यू। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर एंड लाइक करना भी ना भूलिए।